और एक किस्सा मैं बता दूं, जब सहाबा नबी से मिलने गए थे तो सहाबा नबी को देख के कहते हैं कि ए नबी, ए अल्लाह के प्यारे महबूब, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, क्योंकि वो नबियों के नबी है, इस उम्मत के आखिरी नबी है, अल्लाह के प्यारे महबूब है। और जब वही हमारे नबी प्यारे महबूब अल्लाह के वो गए सैयद फातिमा के पास, उनको देख के कहते हैं ए सैयद फातिमा, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। इतना बड़ा मर्तबा उन्होंने महिलाओं को दिया। शराब बंद कराई कि कोई महिला पिटे ना, सख्ती से हराम कराई इस उम्मत में शराब। यहाँ तो कहते नहीं है कि जो बार बार झुक जाए वो सर नहीं, और यहाँ मक्के में भी कह देते हैं मुसलमान को काफिर, यहाँ मक्के में भी कह देते हैं मुसलमान को काफिर। मैं खाने में जाके कोई काफिर किसी को नहीं कहता, क्योंकि वहां सब नशे में होते हैं। लेकिन आज कलयुग है, आज तो हमें और भी कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि सारी उम्मत की बख्शाई इस नबी से है। इस्लाम में जितने भी फिरके हैं वही जाएगी जो अल्लाह को मानेगा, उनके रसूल को मानेगा। और नबी के खिलाफ एक भी शब्द हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ना करेंगे। अगर हम महाकाल के लिए गर्दन कटाते हैं ना, तो हम महानबी के लिए भी कराने को तैयार हैं और हमेशा तैयार हैं। इस्लाम धर्म जिससे टिका है, उन्होंने उनको प्यारे महबूब अल्लाह के नबी फरमाया है, समझ रहे हैं ना। अल्लाह ने उनको प्यारे महबूब सबसे चहेते, याद करिए इब्लीस का क्या कैसे बनाए इब्लीस, खाली मिट्टी की पुतले को सलाम नहीं करना स्वीकार किया, क्या कैसे किया अल्लाह ने, जाओ शैतान बन के बैठो। अब आज मुसलमान को मैं एक हिदायत दे दूं, अगर ये नारा आप लगाते हैं कि आगे रसूल की एक ही सजा तन धर जुदा, तो आप रसूल को नहीं मानते हो, आप रसूल को नहीं मानते हो, फिर गुबरा कर रहे हैं आपको लोग। रसूल ने माफी की थी, आप शांति तरीके से बैठो, जहां बैठना हो हमें बुलाओ, हम भी बैठेंगे।